अभी के मैं इसे फुल से फिर से लूज कर रहा हूँ तो अब आरपीएम बढ़ने लगी है। दोस्तों आज हमारे पास होंडा की ड्रीम योगा बाइक आई हुई है जिसमें कि माइलेज मुझे सेट करना है, इसका एवरेज सेटिंग करना है और ये है BS3 मॉडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्वेटर वाली बाइक है और इस बाइक की हम माइलेज को सेटिंग करेंगे और ये बाइक माइलेज कम दे रही है, एवरेज कम दे रही, पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि माइलेज को सेटिंग कैसे किया जाता है। माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें देखना चाहिए, जैसे कि इसका एयर फिल्टर इसका गंदा था तो मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसका चेंज कर दिया है। इसके साथ ही इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक करना चाहिए। अगर डुप्लीकेट लगा हुआ है तो आपको हर हाल में बदल देना है, चाहे वो न्यू हो या फिर पुराना हो, ठीक है। स्पार्क प्लग हमेशा ओरिजिनल डालना चाहिए, बॉश का या फिर NGK का, ये दो कंपनी का ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके साथ ही गाइस आपको बताना चाहते हैं इसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा निकला है, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार निकला है, तो इससे क्या होता है कि कार्बोरेटर भी गंदा हो जाता है, तो आप एक बार कार्बोरेटर को भी क्लीन कर लें। हालांकि इसका कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए हमने कार्बोरेटर को क्लीन नहीं किया। आपको बताना जा रहा हूँ कि इसका माइलेज को सेटिंग कैसे करना है। तो माइलेज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए, ये है RPM स्क्रू और ये होता है एयर स्क्रू। RPM स्क्रू और एयर स्क्रू, इसी दोनों स्क्रू का काम होता है गाइस माइलेज सेटिंग करने। दोस्तों अभी ये बाइक स्टार्ट है और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका RPM टाइट करेंगे। इसका RPM इतना आप लोग रखें कि आप खुद भी मतलब इसका साउंड सह सके, इंजन की जो साउंड है RPM है वो आप सहने तक ही रखें, ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इस बाइक में RPM मीटर नहीं होता है, इसलिए आप लोग को अंदाजा ही इस स्क्रू को टाइट करना है और आपको पता लगाना है। दोस्तों हमारे पास ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि कितना RPM अभी पड़ा हुआ है। अभी ये 3840 RPM है, देख लीजिए अभी 3840 RPM है। अभी मैं बगैर इस इंजन टैकोमीटर के द्वारा ही RPM इसका माइलेज सेटिंग करके दिखाऊंगा। हालांकि हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर वीडियो रहती है, इसी मशीन से हम माइलेज सेटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बगैर इसके ही माइलेज सेटिंग करके दिखाएंगे, ताकि आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप अंदाज़ा ही इस पैकेज के द्वारा ही आप माइलेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस एयर स्क्रू को हम फुल टाइट करेंगे और देखना जब मैं फुल टाइट करूंगा तो इंजन की RPM कम होने लगी है, देख सकते हैं। टाइट करने से माइलेज सेटिंग नहीं होता है, हमें लूज करने से माइलेज सेटिंग होता है। देखिए ये बाइक अब बंद होने जा रही है, तो वापस हमें क्या करना है, फिर से इसे लूज करना है। अब देखिए मैं इसे फुल से फिर से लूज कर रहा हूँ तो अब RPM बढ़ने लगी है। जब RPM बढ़ने लगता है तो इसका मतलब एयर इसको अच्छा मिलने लगा है, और जब एयर अच्छा मिलने लगेगा तो पेट्रोल की भी सप्लाई अच्छा होने लगेगा। अब ऐसा नहीं गाइस कि एयर ज़्यादा खोल रहे हैं तो पेट्रोल भी ज़्यादा खुलेगा, नहीं, एयर ज़्यादा खुलता है तो पेट्रोल कम खींचा जाता है और एयर को कम खोलेंगे तो पेट्रोल को ज़्यादा खींचा जाता है। ये सिस्टम होता है हर वाहन के अंदर। चलिए मैं इसको और भी लूज करूँगा, देखता हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा इसकी RPM बढ़ रही है और उसी हमें इस एयर स्क्रू को छोड़ना है। मेरे पास कोई भी इंजन टैकोमीटर अभी इस समय नहीं है, मैं अंदाजा इसको सेट करूंगा और फिर बाद में आपको दिखाता हूं कि कितने पे मैंने RPM से छोड़ा है। जब मैं लूज कर रहा हूं तो फिर से RPM कम होने लगा, वापस फिर से टाइट करेंगे।
ख्याल से यहाँ पे आरपीएम हमें ज़्यादा मिल रही है। एक बार हम टैकोमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कितना आरपीएम अभी दिख रहा है, पता चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आरपीएम इसका 2900 पे, ये 3900 पे छोड़ा था, यानी कि आरपीएम शुरू को मैंने जो टाइट किया था उस समय 3900 था और अभी ये 4220 हो गया है। देखिए 4220 सर, 300 आरपीएम ज़्यादा बढ़ा है, जिसका मतलब है कि एयर थ्रू मैंने ऐसे जगह सेट किया जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा हमें मिल रही है। तो इससे पता ये चल रहा है कि अब पहले से पेट्रोल कम पिएगी, ज़्यादा माइलेज देगी। देखिए तो इस तरीके से किसी भी बाइक का आप लोग माइलेज मिला सकते हैं यहाँ पे, चाहे 100cc हो या 110cc हो या फिर 125cc हो, जितने भी cc की बाइक होती है सभी बाइक की ऐसे ही माइलेज सेटिंग हम लोग करते हैं। और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे।